हेलो गाइस, तो आरआरबी में अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, आपका रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी सीआरपी आरआरबी 11 का यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी था ये, ठीक है, ग्रुप बी के लिए था। अगर आपने ग्रुप ए के लिए अप्लाई किए हो, यानी ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई किए हो, तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर पब्लिश नहीं होगा, आपको यहां पर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ही आएगा। अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही अप्लाई किए हो, सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए अगर आपने आवेदन किए हो, अप्लाई किए हो, तो ही आपको यहां पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहले यही होगा, आपको पोस्ट देख लेना है कि आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है या फिर रोल नंबर। मैं यहां पर आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर एंटर करें। एंड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का यहां पर फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर आपका डेट आएगा, अगर मान के चलते आपका डेट जो है 8 है तो 08 आपको यहां पर एंटर करना होगा। मंथ अगर 09 है, यानी 9 है, तो 0809 इस तरीके से आएगा। एंड आपका जो ईयर है, डेट ऑफ ईयर जो है, वो लास्ट के 2 डिजिट्स आपको यहाँ पर इंटर करना है। 2000 है, 2000 है, तो आपको ओनली 00 इंटर करना है। 2001 है तो 01 यहाँ पर इंटर करना होगा। 2002 है तो यहाँ पर आपको ओनली 02 इंटर करना है। तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। एंड यहाँ पर जो कैप्चा इमेज यहाँ पर आप देख पाओगे, तो यहाँ पर बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर J2D70 इस तरीके से है। अगर आप इसे क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इसे रिफ्रेश कर देना है। जब इसे रिफ्रेश करोगे तो एक नया सा टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। एंड देन यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। तो आपका जो लॉग इन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा। एंड आपका जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलेगा, अगर आप क्वालिफाई किए हो तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो तो यहाँ पर आपको थैंक यू फॉर द अपेयरिंग फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इस तरीके से मैसेज आपको देखने को मिलेगा। एंड आपका जो भी स्कोर है वो 7 दिन के भीतर यहाँ पर लिखा गया है, विद इन 7 डेज। जो भी आपका स्कोर है, आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर आपको आए हुए हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो आपको स्कोर कार्ड जो है 7 दिन के अंदर यहाँ पर आपको पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो वेबसाइट है, कभी कभी वेबसाइट भी यहाँ पर स्लो चलता है। यहाँ पर जो स्क्रोल होते हुए टेक्स्ट आप देख पाओगे, क्लिक हेयर टू व्यू योर रिजल्ट, एक तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए हो। तो यहाँ पर बेसिकली सीआरपी क्लर्क होता है एंड सीआरपी पीओएमटी एंड सीआरपी आरआरबी। अगर आपने आरआरबी के लिए अगर अप्लाई किए हो तो आरआरबी में भी ऑफिसर स्केल 1 है, मल्टीपर्पज की ग्रुप बी की पोस्ट होती है, तो यहाँ पर 11 होगा तो 11 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू व्यू योर रिजल्ट स्टेटस ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी आरआरबी 11। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। आपको आपका एडमिट कार्ड जरूर से देख लेना है, आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किए हो। नेक्स्ट, अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर और एक पॉइंट ये है कि आपने जब आवेदन किए थे, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो यहाँ पर आपका जो है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल दिखाएगा। इन दैट केस यहाँ पर आप जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करिए, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डेट ऑफ बर्थ इंटर किए हो, जो भी मिसमैच होगा वो आपको करेक्टली यहाँ पर इंटर करना है, तभी आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाएगा। इतने पॉइंट्स आपको कर लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है, अगर आपका लॉगिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है। जितनी भी हेल्प होगी मैं व्हाट्सअप के जरिए आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कर इस वीडियो को, शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।